इस हफ्ते रिलीज हुई लेजेंडरी डायरेक्टर सुधीर मिश्रा की फिल्म दास देव। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की देवदास पर बहुत सारी फिल्में बनी। तो ये उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक परिवार है जिसकी विरासत दास देव यानी देव जो है उसके हाथ में है, लेकिन देव नशे में डूबा हुआ है। उसकी बचपन की दोस्त पारो है, वो उसका साथ लगातार देती है। अचानक देव को जो पारिवारिक दबाव आते हैं, इमोशनल प्रेशर्स आते हैं, वहाँ पर वो अपने नशे से दूर होकर उस राजनीतिक गलियारों में घुसता है। वहाँ पर उसका साथ देती है यहाँ पर चांदनी यानी चंद्रमुखी, जो अदिति राव हैदरी निभाती है। ये पूरे ताने बाने पर सुधीर ने बहुत ही खूबसूरती से एक फिल्म बनाई जिसका नाम है दास देव। अगर मैं अभिनय की बात करूँ तो राहुल भट्ट ने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। अदिति राव हैदरी एक कमाल के अलग लेवल पर मुझे दिखती है। अभी तक किसी फिल्म में उन्होंने इस तरह का परफॉर्म नहीं किया है। ऋचा चड्ढा से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, वो उस तरह से प्रभावित नहीं कर पाई है। सौरभ शुक्ला, विपिन शर्मा ये अपने किरदार में बिल्कुल जस्टिस करते हुए नजर आते हैं। खासतौर पर मैं जिक्र करूंगा विनीत कुमार का। विनीत कुमार ने औसम परफॉर्म किया है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हाफ में अगर वॉइस ओवर का इस्तेमाल थोड़ा कम किया जाता तो अच्छा होता। सेकंड हाफ में एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज मुझे लगता है सुधीर ने स्क्रिप्ट लेवल पर किया है, जहां पर शुक्ला की कमजोरी दिखाई है ताकि पारो वापस देवदास की तरफ लौट सके। मैं इस फिल्म को देता हूं 5 में से 3 स्टार।